अभी देखो क्या तक हमने कर लिया, ठीक है। अभी स्टेप नंबर टू अच्छे से देखो। स्टेप नंबर टू सिंस, ठीक है, ये जो सी का वैल्यू आता है, हमने देखो रोज थ्योरम में देखा, हमने लैग्रेंजेस के कुछ एग्जांपल पहले देखे, वहां भी देखा है ना, ये जो सी का वैल्यू है, राइट। ये सी का वैल्यू किसमें आएगा, इंटरवल के अंदर आता है, बराबर, ए और बी के अंदर आएगा। तो अभी आप सोचो जरा, ए ठीक है लेस देन, अंदर आएगा सी लेस देन बी, आ रहा है बराबर। अभी आप पहले इन दो कंडीशन को देखो, ए लेस देन सी, सिंस ए लेस देन सी है बराबर, मैं अभी इसका स्क्वायरिंग करता हूँ, ओके। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर लेस देन सी का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। अभी क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, वन प्लस ए स्क्वायर, ओके, लेस देन वन प्लस सी स्क्वायर, मैं ऐड कर रहा हूँ, वन ऐड कर रहा हूँ बराबर है। अभी जब इसका रेसिप्रोकल करते, रेसिप्रोकल जब रेसिप्रोकल करते तो क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर होगा, लेकिन जब लेस देन साइन है वो क्या होता है, ग्रेटर देन वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर, समझ रहा है बराबर। अभी आप देखो, वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर, क्या था वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू है, तुम रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए, ओके। अभी ये क्या है कि ये बड़ा है, ग्रेटर देन है मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो देखो, टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए लेस देन वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर, वन इक्वेशन दे दो या इक्वेशन नंबर टू दे दो, आया, छोड़ दो इसको अभी, छोड़ दो अभी। और स्टेप नंबर थ्री, सिंस देखो जैसे ए लेस देन सी था वैसे अभी आप इसको देखो, इसको देखो क्या है, सी लेस देन बी है बराबर, इसका स्क्वायरिंग करो तो क्या रहेगा, सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, एडिंग करता हूँ वन, सो वन प्लस सी स्क्वायर लेस देन वन प्लस बी स्क्वायर आएगा, इसका रेसिप्रोकल करो, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर, तो ग्रेटर देन वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर आता है, समझ रहा है समझ रहा है। देयरफॉर क्या हो रहा है, वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन, देखो वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर और वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर, राइट। सो वन अपॉन वन प्लस सी स्क्वायर है अपने पास ये वाला बराबर है, तो मैं डायरेक्टली अभी लिख दू, टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए ग्रेटर देन, क्या आएगा, ग्रेटर देन वन अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर होगा, समझ रहा है बराबर। अभी ये यहां से देखो, ये वैल्यू राइट, ये वैल्यू, इससे क्या होगा बोलो। हाँ, और एक स्टेप, अभी ये देखो बी माइनस ए है क्या, इधर आ सकता है ये, तो ऐसा लिख सकते हो क्या, टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स ए लेस देन बी माइनस ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इसको भी ए बी माइनस इधर जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स ए ग्रेटर देन बी माइनस ए अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों का एलएचएस देखो क्या सही है, पर तो आरएचएस सही हो गया ऐसा नहीं, उसका मतलब तो ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू एज पर हमारा जो प्रूफ चाहिए हम लोग वो आ तक पहुंच गए। देखो क्या होगा, टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स किससे बड़ा है, किससे बड़ा है बराबर, और टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स किससे छोटा है, बी माइनस ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर से, सही है सही है। तो क्या एज पर प्रूफ अगर चाहिए हमें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ये बड़ा है ना ये छोटा है, तो ये भी यही दर्शा रहा है, बी माइनस ए अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर लेस देन टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स ए, ऐसा हो सकता है इक्वेशन राइट। सो फ्रॉम वन एंड टू ऐसा लिख सकते हैं, बी माइनस ए अपॉन वन प्लस बी स्क्वायर लेस देन टैन इनवर्स बी माइनस टैन इनवर्स ए लेस देन बी माइनस ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर, व्हिच इज द प्रूफ, व्हिच इज द प्रूफ। अब हो गया,